ये बुरी खबर है। जम्मू के डोडा के पास आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में एक मेजर समेत सेना के चार जवान शहीद हो गए। मारे गए चार जवानों में 10 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर ब्रिजेश थापा भी शामिल हैं। घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। पाकिस्तान बैक्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक हिस्सा कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। 9 जुलाई को काठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें चार जवान शहीद हुए। ये घटनाएं बढ़ गई हैं। 8 जुलाई को काठुआ जिले में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। 6 जुलाई को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया और 2 जवान भी शहीद हुए। डोडा में 26 जून को 3 आतंकवादी मारे गए। 10 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में 9 नागरिक मारे गए। जम्मू में आतंकी गतिविधियों में तेजी के पीछे क्या कारण है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जम्मू में सैनिकों की संख्या में कमी एक मुख्य कारण है। चीन के साथ चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ की वजह से लद्दाख में सैनिकों को ज़्यादा तैनात किया गया है। मॉडर्न ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुप्स में जम्मू क्षेत्र में घुस चुके हैं। वे आर्मर पियर्सिंग गोलियों सहित हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने जवानों को इस तरह नहीं खो सकते, ये रुकना चाहिए।